गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल है भाई लोगों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई डॉक्टर राज, साइकिल बाबा, विश्व साइकिल यात्री, एक बार फिर आ गया हूँ। अभी हम हैं जोहान्सबर्ग में और यहाँ पे मुझे आज तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में आज थोड़ा मौसम खुला है। अब तक बहुत ज़्यादा बारिश चल रही थी और अजीब सा मौसम था। मैं और अनीता जी एक बार एक टेम्पल में जा के आ रहे हैं। कौन से टेम्पल में जा रहे हैं? रामेश्वर और लक्ष्मी नारायण में, स्वामी नारायण। और ये देखिए, अभी यहाँ पे पतझड़ का टाइम शुरू हो गया, तो कितना खूबसूरत सा वो दिख रहा है। एक बार डिकैथलॉन भी जाएंगे, दन्नो का एक दो पार्ट और रहते हैं, वो करेंगे। टायर हमें मिले नहीं हैं, अभी हम टायर की ट्राई में हैं कि कहीं हमें टायर मिल जाए। और जोहान्सबर्ग बहुत बड़ा सिटी है यार, यहाँ से मुझे एक बार प्रिटोरिया जाना है इंडियन हाई कमीशन में। आई ट्राई हेयर फॉर 3 वीजाज एक्चुअली। एक वीज़ा जो है वो साउथ अफ्रीका का है, जो एक्सटेंड करवाना है मुझे। नामीबिया और बोत्सवाना का वीज़ा लेना है, तो 3 वीज़ा के लिए मुझे प्रोसेसिंग करनी है। और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ओनली 30 डेज। 30 डेज में से 7 दिन तो जा चुके हैं, तो 20 दिन रह गए हैं सही बात करूँ तो। अगर साउथ अफ्रीका का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ तो शायद साउथ अफ्रीका उस हिसाब से मैं ट्रैवल भी नहीं कर पाऊँगा जो मेरा मन था। देखिए वो लिखा हुआ, वेलकम टू लर्न एशिया, मतलब एशियन पीपल इज मोर हियर, दैट्स व्हाई दे से ओनली एशियन पीपल, ओनली एशियन। सब हाउ मेनी किलोमीटर? 50 54 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर दूर आ गए हम उस घर से और जहाँ से। तो यहाँ पे आपको सब सिर्फ और सिर्फ एशियन की दुकानें मिलेंगी भाई, मंदिर, मस्जिद सब मिल जाएंगे। मस्जिद उमर फारूक, यह भाग्य स्वामी नारायण मंदिर आ गया भाई। स्वामी नारायण मंदिर है भाई, खूबसूरत सा बनाया हुआ है। मतलब अभी मंदिर बंद है, तो 4 बजे खुलेगा मंदिर, उससे पहले 4 से 5:30 बजे तक। और यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज देखिएगा, घर में भी कैमरे लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी से। अलार्म भी है, ये देखिए घर में अलार्म लगा के सेफ्टी के उससे जाना पड़ता है। पीछे ये देखिए, यहाँ पे भी लोहे का अलग है, ये गेट अलग है। ये देखिए पहला गेट खोला है, फिर दूसरे का लॉक खोला है, और इसमें भी अलार्म लगा होगा। नो, ये बैकयार्ड नींबू लगे हुए हैं, किसी को चाहिए तो। आजकल इंडिया में हॉट टॉपिक है नींबू। कलेक्ट द रेन वाटर इन एवरी होम, दे कलेक्ट? नो, नॉट एवरीबॉडी, इट्स वेरी हॉट। दे कॉल इट ब्लैक आई चिली। ब्लैक आई चिली, तिरंगी काला इसका और बहुत तेज होती है। ब्लैक आई इसको बोलते हैं, ब्लैक आई बोलते हैं। दे केम हियर, दे डिड, दे ब्रोक द थिंग हियर, दे ओपन, then they didn't open that door, they took the whole glass out, they cut the glass, they out. Took this glass out. In Gujarati they say chor ke char aank, uska char aank rehta hi hai. Maine zindagi mein pehli ghadi dekhi hai jo ulti chal rahi hai, aur ye saath mein solar light lagayi hui hai ghar mein na, aise छोटे छोटे सोलर पैनल लगा लिए, रात को ये काम आ जाती है। फिर इस लाइट के अंदर ही, यू नो नीड टू अनदर बैटरी, अनदर थिंग्स इनसाइड इज एवरीथिंग। सोलर पैनल आल्सो अनदर वन। ओह वाओ, सो एवरीवेयर। या सो नाउ वी आर एट रामेश्वरम मंदिर, या श्री रामेश्वरम महा मंदिर। अभी बंद है, मंदिर के बंद का टाइम था। बड़ा खूबसूरत है, और ये सब चीज़ें अभी इंडिया से मंगवाई है, इसको अभी रिनोवेट कर रहे हैं। तो ये पुराना टेंपल है, ये नया टेंपल बन रहा है सारा। ये मंदिर बना हुआ है एक, और इसके पास में एक विष्णु मंदिर है। पूरा का पूरा एरिया जो है एशियंस का है भाई, इसमें हिंदू मुस्लिम सब आ जाते हैं। और काफ़ी सारी मस्जिद हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे मंदिर हैं। तो ये मंदिर भी आ गया अभी, विष्णु जी का मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए सनातन वेद धर्म सभा, विष्णु मंदिर। ये भी बंद है भाई अभी। ये मार्केट है, इसमें सब इंडियन सुपर मार्केट, इट्स लाइक अ मॉल। जगदेव टेक अवे, वी कम हेयर। सेव पूरी, खमन, सेव खमानी, लाफड़ा, आइसिकल पर बर्थडे जता छे, दाबेली, दाबेली, पटोरी, पटोरी। हमने गुजराती खाना खा लिया भाई, और अभी टाइम टू से बाय बाय। बाय बाय बेटा, अनीता जी को छोड़ दिया, अब हमने, अब निकल रहे हैं। ये कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है गांधी हॉल, यहाँ पे अच्छा बड़ा सारा ये है, काफी है कम्युनिटी सेंटर। या इट्स अ कम्युनिटी, ऑल वेडिंग्स एंड फंक्शंस गेट हियर। या दे हैव अ वॉक, एनुअल गांधी वॉक, इट्स अ पीस वॉक। तो यहाँ पे हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। हर घर को इनको सेव करने के लिए कभी रेलिंग लगानी पड़ रही है, कभी इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगानी पड़ रही है। तो दिखते तो हैं यहाँ पे, और
पर जो पुराने लोग हैं उन लोगों का तो जन्म यहाँ हुआ, उनके फादर का जन्म यहाँ हुआ, पेरेंट्स का जन्म यहाँ हुआ, तो वो लोग मैनेज कर लेते हैं। नए लोगों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया था वो काफ़ी टाइम से बटा हुआ था। अभी जिस जगह से हम आए हैं वहाँ पे इंडियन या फिर एशियन बोल सकते हैं वो रह सकते थे, और इधर जो मेरे साइड में है कौन सा एरिया, व्हाट इज द नेम, एल्डोराडो पार्क। यहाँ पे सारे जो हैं वो कलर्ड लोग हैं, जो मिक्स ब्रीड है वो वाले लोग रहते हैं, उनको कलर्ड लोग बोलते हैं यहाँ पे। और काले लोगों का या लोकल लोगों का एक अलग एरिया है, वो बहुत बड़ा एरिया है। ये भी एरिया जो कलर्ड लोगों का एरिया है ये भी काफ़ी बड़ा है, और गोरों का अलग एरिया होता था। ये 90 के बाद में एक दूसरे में थोड़ा मिक्स होने लगी, अभी एक दूसरे की जगह पे जाने लगी। उससे पहले तो सिर्फ काम के लिए जाया जाता था, ऐसे जाया नहीं जाता था। यहाँ ये एरिया आ गया स्वेटो का, जहाँ पे काले लोग रहते हैं। तो ये पूरा एरिया कई किलोमीटर में है, ये सारा जो है ब्लैक पीपल का एरिया है, इसको बोलते हैं स्वेटो। जोहान्सबर्ग के अंदर ही छोटे छोटे टाउन बसे हुए हैं ये। ये बहुत बड़ा कैसीनो है यहाँ पे, गोल्ड लिफ्ट के नाम से। ये सब पार्किंग है, कितने फ्लोर की है, 10-12 फ्लोर की पार्किंग है। गांधी स्क्वायर है। यहाँ पे बसेस और टैक्सी भी आती है। बिफोर इट वाज बसेस, आई थिंक नाउ इट्स ओनली टैक्सीज। ये सिटी हॉल था भाई सबसे पुराना, सारे बड़े फंक्शन यहीं पे होते थे काफी साल पुराने। ये मेन लाइब्रेरी थी ये। ओके, ये सिटी हॉल है, और ये ओल्ड पोस्ट ऑफिस है, उल्टा बोल दिया हमने। अच्छा, पार्क स्टेशन, यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टेशन भी है, इसको बोलते हैं पार्क स्टेशन, YMCA। Behind that also. Okay. Gonna take down through the real city center. That one is tower. Yeah, that's the tower. You can actually go to the tower here. ये सिटी टावर है यार, पहले इसके ऊपर अलाउ था, अभी अलाउ नहीं है, कुछ टाइम से बंद है। This is the Hillbrow area. गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं है हमारी, क्योंकि गाड़ी में भी ऐसा लग रहा है कि कोई छीन के लेके भागेगा, लोगों की नजरें आपके ऊपर हैं। कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा होता था यहाँ पे, बिल्कुल कोई भी ऐसा गंद वंद कुछ नहीं होता था। और एक अब भी है कि यहाँ पे सब चलता है। संडे है तो भी आज भीड़ है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे वर्किंग डेज में हो तो फिर तो क्या हालत होती होगी। पचास मंजिल की बिल्डिंग है भाई ये, सबसे पहले यही बिल्डिंग थी जो जोहान्सबर्ग दिखता था पहले, इस बिल्डिंग के ऊपर से। ये साइट सीइंग बसेस चलती हैं यहाँ पे, आप इनको हायर कर सकते हो। कितने की है यार, वो तो मुझे नहीं पता। $300 ये जो साइट सीइंग की बसेज है, इससे आप पूरा जोहान्सबर्ग देख सकते हो, ऊपर से खुली है ये। वो सामने लिखा है मुस्कान फैशन। पिज्जा इज रेडी, घर पे आ गए हैं, पिज्जा बनाया जा रहा है। वाह, घर का पिज्जा। ओह, रियली केम अप नाउ। या, केम क्विक ना। सो मस्ट आई? नो, लीव इट। सुबह का टाइम है और अभी हम हैं जोहान्सबर्ग में, और चाय तैयार हो गई है, दी ने चाय तैयार कर दी है, और क्या क्या थेपला तैयार हो रहा है मेरा, और मग ये भी तैयार हो रही है। तो चिवड़ा, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं आज प्रिटोरिया, यहाँ से प्रिटोरिया जाएंगे, वहाँ पे एम्बेसी के काम निपटाएंगे और वीज़ा के काम निपटाएंगे। यार वीज़ा इज़ इम्पोर्टेंट, पहला वीज़ा यहाँ का एक्सटेंड करवाना है, नामीबिया का लेना है, जाम्बिया का, इसका बोत्सवाना का लेना है, और तीसरा लसुटो भी जाएंगे तो वहाँ का वीज़ा भी करना है। मैं कल उसका वीज़ा चेक कर रहा था ऑनलाइन, पहले उसका वीज़ा ई वीज़ा दिखा रहे थे, पर कल मैंने देखा कि उनकी वेबसाइट पे तो godaddy.com आ रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, या तो किसी ने उसकी वेबसाइट हैक कर ली या फिर उन्होंने वेबसाइट को आगे के लिए परचेज नहीं किया शायद।
खैर ये तो चलता रहेगा, वीज़ा का प्रोग्राम, भाविनी है, दीदी की बेटी है, तो वो ट्रैवल में काम करते हैं, तो मैं उनको फ़ोन करूंगा, वो क्या बताते हैं, किस तरह बताते हैं, उसी हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ेगा वीज़ा का। वो सब चीज़ें तैयार करें, धनो तैयार करें, उससे पहले कि चाय का कप हो जाए। लो भाई सेव, गुजराती हैं तो सेव तो खानी पड़ेगी और चटनी, और ये क्या है कि मिली वो मक्की का कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पे जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है वो मक्की होता है, क्या बोलते हैं इसको? इसको तो मकई का चेवड़ा बोलते हैं। मकई का चेवड़ा, ओके। और वैसे मक्की को क्या बोलते हैं? मिलीस और इसको अगर इसका वो बनाते हैं ना आटा बना लेंगे तो उसको बोलते हैं मिली मिल। माय थेपला इज रेडी, ये देखिए ये हो गया तैयार, ये हो गया तैयार, तो बन गई बात। मैंने भी आपको परेशान कर दिया था। कुछ परेशान नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। लो माय नेबर आल्सो टेल मी यू लाइक पीपल, आई से या आई लाइक पीपल। इनको हिंदी बहुत कम आती है एक्चुअली। आपका बर्थ यहीं पे हुआ, आपके फादर का बर्थ भी यहीं पे हुआ? या मेरा फादर का, मैं माँ इंडिया से, आपकी मम्मा इंडिया से, हम सब बहने भैया जन्म हुआ। थोड़ा उनको डिफिकल्ट होता है इंग्लिश और हिंदी बोलने में, बट सी ट्राई टू लर्न एक्चुअली। ये थोड़ा गेस्ट एरिया है, यहाँ पे चिमनी लगी होती है, ठंड बहुत रहती है यहाँ पे, तो ये चिमनी लकड़ वाली चिमनी यूज करते हैं। ये मास्टर बेडरूम है और इधर टीवी भी लगा है, यहाँ पे हमारे वीडियोस देखे जाते हैं, और ये सीडी प्लेयर, और ये गणपति बापा मोरिया। सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी ना घर में, डाइनिंग एरिया, चेयर, और ये यहाँ पे बैठ के क्या खूबसूरत सा नज़ारा आता है। स्पेशली ये देखिए घर में बार बना हुआ है। ये रीज़न क्या है, ये घर जो है दी और ने उनसे परचेज़ किया था, कोई जर्मन कपल था, तो उन्होंने घर में बार बनाया हुआ था। जो सारे रहने वाले रूम जो हैं वो ऊपर हैं, इसकी दो सीढ़ियाँ गई हुई हैं। ये देखिए घर में सबसे अच्छी जगह पता क्या ये है, ये कितनी खूबसूरत सी प्लांटेशन हो रही है। ये गार्डन है, यहाँ पे बैठ के आराम से, सर्दी हो तो वहाँ बैठ सकते हो। यहाँ पे इसके अंदर मछलियाँ हैं, कितनी तरह तरह के प्लांट लगे हुए हैं ना, यहाँ पे भी बैठ सकते हो। ये लोग यहाँ पे बैठ के इवनिंग में मोस्टली डिनर यहाँ पे करते हैं। और ये फिश टैंक, इसमें मछलियाँ हैं, देखो कितनी सारी घूम रही है। और ये थोड़ी खेती कर रखी है। तो यार यहाँ पे घर जो है ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं, मज़ा आ जाता है देख के, चाहे छोटा भी होगा ना, छोटा घर भी होगा ना, उसके अंदर भी ऐसा ही बैकयार्ड जरूर मिलेगा। अभी थेपला तैयार हो जाएगा, उसके बाद में हम जो है चलने की तैयारी करेंगे। तो मनु दी मुझे को पिटोरिया की तरफ छोड़ के आएंगे, क्योंकि यहाँ से जो पिटोरिया को हाईवे जाता है वो, उस पर साइकिल अलाउ नहीं है। और थेपला तैयार हो गया, पैक कर लिया मैंने, और गाड़ी में हमने धनु को एक बार ऐसे रखा है। सो टाइम टू से बाय बाय। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मॉल है भाई, इसको 3-4 साल पहले ही बनाया, अभी मॉल ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको। ये भारतीय दूतावास की बिल्डिंग है यार, हमारा काम हो गया दूतावास का, ये फ्लैग लगा हुआ है नीचे। अब हम दूतावास से निकल लिए हैं भाई, हमारा नया फ्लैग बड़ा मस्त चमक रहा है। प्रिटोरिया स्टेडियम है, इंटरनेशनल स्टेडियम, वेलकम टू लुफ्टास। ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया है भाई। अभी एम्बेसी से निकल के हम एक हमारे नीरज भाई हैं, नीरज भाई के घर की तरफ जा रहे हैं, और स्टोरी कुछ ऐसी है नीरज भाई से मिलने की। उनकी वाइफ का फ़ोन आया मेरे पास में, और मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि सर आप पिटोरिया आ रहे हो तो हमारे पास आना, और वो फिर इंडिया हैं, तो शीशे की मेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं, मिलना और उनके पास ही चले जाना। उसके बाद में मैंने नीरज भाई को फ़ोन किया, और बाद में पता चला कि नीरज तो मेरा नवोदयन है। नवोदय का नाम सुनते ही तो मेरी आँखें खुल गई। चल भाई नीरज के पास ही चलते हैं, अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि प्रिटोरिया से वापस जोहान्सबर्ग जाऊंगा आज। हाँ पहुँच तो गए यहाँ पे, अभी नीरज भाई आए नहीं हैं, शायद आने वाले होंगे। रिवर क्लोज कॉम्प्लेक्स है कोई, तो इसके गेट नंबर 2 का एड्रेस दिया उन्होंने हमें, तो अभी यहीं पे ही जाएंगे, देखते हैं। इस देश में चढ़ाई उतराई तो आपको बहुत परेशान करेगी यार।